चलिए अब बारी है आज की शाम के सर्वश्रेष्ठ सम्मान की। आज जो हमारा अगला अब जो हमारा अगला अवार्ड है वो आज की शाम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये बड़ा अवार्ड उस बड़े एक्टर के लिए है जिसने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। और इस अवार्ड को पाने के लिए सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं देनी पड़ती बल्कि कई किरदार जीने पड़ते हैं। आज का ये अवार्ड उनके लिए है जिन्होंने कई सालों में कई किरदार जिए हैं और उन किरदारों से हमें एंटरटेन कर हम सभी का दिल जीता है। इनकी दास्तान चंद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, इसलिए इनके सफर को हमने एक डॉक्यूमेंट्री में दर्शाने का प्रयास किया है। कैन वी हैव द डॉक्यूमेंट्री प्लीज। यूं तो बॉलीवुड में हजारों कलाकार हुए हैं, किसी ने हीरो, किसी ने विलन, तो किसी ने कॉमेडियन के रूप में अपनी अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में एक ऐसा कलाकार चमका है जिन्होंने हास्य और उसके साथ अपने गंभीर किरदारों से करोड़ों लोगों का दिल जीता है, और उस कोहिनूर का नाम है संजय मिश्रा। सारे झंझटों से दूर अलग, मुझे तो लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1963 में दरभंगा बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय शंभुनाथ मिश्रा है और ये अपनी दादी के काफी करीब थे, उन्हीं से इनको कला में रुचि आई। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां हर कोई सरकारी दफ्तरों में कार्यरत था, इसीलिए इनके परिवार वाले भी यही चाहते थे कि ये भी सरकारी नौकरी करें। पर इनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इन्होंने अभिनय को अपना रास्ता बनाया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। उसके बाद कई छोटे छोटे रोल करके अपने संघर्ष की शुरुआत की, लेकिन पिता के देहांत के बाद इन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया और एक ढाबे पे काम करने लगे। इनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इन्हें अपनी फिल्मों में वापसी करवाई। मेरे विक्रम का भट्टो बबले आया है। और उस दिन के बाद से आज तक संजय मिश्रा जी ने वापस मुड़कर कभी नहीं देखा। हम इनका प्राउड लिए घूम रहे, इनको पता ही नहीं। हम सब आज भी ढोंडू जस चिल पे हंस पड़ते हैं। मुझे पागल किसने बोला? प्रेम ने। मेरे हाथ से मरेगा कौन? अरे पगलू जस चिल। ऑल द बेस्ट के बाद इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जैसे कि आंखों देखी, गोलमाल सीरीज, कामयाब, कड़वी हवा, हम तुम शबाना, वॉर छोड़ो ना यार, दिलवाले, मसान, 21 तारीख, अधीन, बादशाहो, टोटल धमाल, वाह जिंदगी। ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी कला सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है बल्कि रीजनल सिनेमा में भी इन्होंने अपने अभिनय की अटूट छाप छोड़ी है। मैं वाकई गगन को चीरता चला जा रहा हूँ जैसे मक्खन में गरम छुरी। 2015 में बेस्ट एक्टर, 2016 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और 2018 में इनकी राजस्थानी फिल्म टर्टल को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। आसपास के सारे लोग जो प्यासे हैं मुफ्त में प्यास बुझाएंगे। मैं 77 से ज्यादा फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर अभिनायक संजय मिश्रा जी को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच, नई दिशा। मैनेजिंग डायरेक्टर बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, श्री मनु अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इंजन ब्रांड मस्टर्ड ऑयल, श्री आदित्य जैन, डायरेक्टर ओसवाल सोप ग्रुप, श्री सुरेश कुमार पोदार, फाउंडर मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड, कोमल नाडा जी, मेंटर आरएफएफ, सुखबीर सिंह जी, मेंटर आरएफएफ, बवारी लाल शर्मा, मेंटर आरएफएफ, मिसेस संजना शर्मा एंड मिस्टर अभिमन्यु सिंह। कहाँ थे?
सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने इतने अलग अलग टाइप की फिल्में की हैं और इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब खड़े होकर इनको सम्मानित करें। जिंदाबाद राजस्थान, जय जयपुर। सॉरी मैं थोड़ा लेट आया, कभी कभी आपके लाइफ में दो तीन दिन, वो तीन दिन बहुत काम होते हैं और सब, सॉरी बिल्कुल सॉरी। कोमल सर का मुझे फ़ोन आया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये क्या न्यूज़ दे रहे हैं यार, अभी तो लाइफ शुरू नहीं हुई, ये अचीवमेंट भी दे दिया यार। तो फिर कोमल सर ने कहा नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं, मतलब लाइफ में आपने बहुत सारे रोल अचीव किए हैं, इसके लिए अवार्ड है। तो थोड़ा संतोष मिला। थैंक यू राजस्थान फिल्म, जिंदाबाद। जितने भी डायरेक्टर्स ने, हम को एक्टर्स हैं, मैं और तुषार गोलमाल, जितने भी डायरेक्टर्स ने मुझे काम दिया। क्या हुआ बे, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है? डायलॉग? अरे जी ये भी तो उसके लिए मैं पैसे लेता हूँ। हाँ मुझे जो सोच के आया हूँ गाड़ी में वो तो बोल लेने देते। अरे यार ये ना करो अब। हाँ यार कहाँ भाओ, जो गाड़ी में सोच के आया हूँ वो तो बोलने दो। क्या सोचा था भूल गया। खैर कुछ कलाकार रुपया कमाते हैं, कुछ कलाकार रोल कमाते हैं, तो मैंने रोल कमाया लाइफ में। थैंक यू। और क्या बोलूं, गॉड जस्ट चिल बे, बहुत बहुत सम्मान, जिंदाबाद। थैंक यू राजस्थान अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।